माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के चौथे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 315.72 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 341.63 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 11.35 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,21,834 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व चावल की रबी और खरीफ फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ। 336.01 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।